फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप भी चेक करना चाहते हैं कि हमारा आधार कार्ड का करंट स्टेटस क्या है, हमारा आधार कार्ड आया है या नहीं आया है, उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें, वो भी अपने मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो को पूरा देखिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सरल एवं आसान तरीके से बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिंस यादव, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रिंस भैया में। अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, और इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ आपको अपनी मोबाइल में प्रूफ दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आधार कार्ड का स्टेटस पता करने के लिए फर्स्टली फ्रेंड्स आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहां क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहां आपको सर्च करना है गूगल। जैसे फ्रेंड्स आप गूगल ओपन करेंगे तो यहां आपको टाइप करना है, जैसे फ्रेंड्स आप ये वेबसाइट सर्च करेंगे, ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ आपको डेस्कटॉप, यहाँ आपको गेट आधार का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ आपको चेक आधार स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा अपना आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड सेंटर से जहां आपने आधार कार्ड बनवाया होगा वहां आपको एक आधार कार्ड के रसीद में वहां आपको एक इनरोलमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा 14 अंक का, वही आपको यहां पर फिलअप करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूं कि इनरोलमेंट नंबर कैसा होता है जो आपके रसीद में होता है। तो यही आपको इनरोलमेंट नंबर होगा। जैसे फ्रेंड्स आप आधार कार्ड इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे 14 अंक का, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको यही आपको वहाँ पर फिलअप कर देना है। डेट यही सेम डेट आपको वहाँ पर फिलअप करना है, यही आपको सेम टाइम आपको फिलअप करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये आप जैसे डाल देंगे ये यहाँ पर ले लेगा, उसके बाद यहाँ आपको टाइम पर टाइम आपको डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे ही आप ये डाल देंगे उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यही आपको कैप्चा कोड वहाँ पर फिलअप करना है। आप ये सब डाल देंगे उसके बाद यहाँ आपको चेक स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप चेक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे, अगर आपका आधार कार्ड वहाँ से बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ आपको कांग्रेचुलेशन योर आधार इज जनरेटेड, यहाँ आपको इस प्रकार का आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा। तब आप यहाँ डाउनलोड आधार पर क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड अगर बनकर तैयार नहीं हुआ होगा तो आपको इस पर ये कांग्रेचुलेशन योर आधार इज जनरेटेड का मैसेज नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ जो कारण होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना आधार कार्ड का करंट स्टेटस पता कर सकते हैं अपनी मोबाइल से। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, और इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम फ्रेंड्स।